तो विज्ञान या पाश्चिमात्य ज्ञान है भारत को एक सारा सार गलत है। भटकर सर, सवाल यह है कि आज की युवा पीढ़ी जो है, जो इस कंप्यूटर के पूरे डोमेन में खेल रही है, और उनके मन में यह है कि ये हिंदुस्तान का ज्ञान नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है, और दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न कल्चर एंड एवरीथिंग। आपसे सवाल यह है मेरा कि आप का जो मन है वो इस फिलॉसफी या डिवोशन और भक्ति और इंट्यूशन इस तरफ जब गया, तब आपकी उम्र क्या थी? देखिए कि मैंने जब इंजीनियरिंग किया था तो मेरी उम्र उस टाइम 18 साल की थी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही पहले से जो सीधा चौथी क्लास में ही पढ़ने लगा था। शुरू किया। ओह, क्या बात है। तो ये जो बात है, या ये सभी केस में एक प्रकार का गलत फहमी है। गलत पहली कक्षा का बेंच आपने देखा ही नहीं, आपने चौथी कक्षा की बेंच देखा? नहीं, हम नीचे बैठे थे। हमारी स्कूल राम मंदिर में चलती थी, और चार ही इतना जो पढ़ाते थे, हमारे जो गुरुजी थे पढ़ाते थे, एक ही टीचर थे। ऐसे कई स्कूल्स आज अभी भी है इसमें, तो मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ इस बारे में। तो आपने बात किया कि ज्ञान विज्ञान, विज्ञान की बात कही कि हमारी आमतर जो धारणा है बच्चों की, आप जो विज्ञान पढ़ते हैं वगैरह, कि ये वेस्टर्न पाश्चिमात्य गिफ्ट है हमें, जैसे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारी जो धारणाएँ तैयार हुई है वो ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऐसी धारणाएँ तैयार की है। हमको कभी बताया नहीं कि इसके आविष्कार पहले भारत में हुआ था। जैसे कि मैंने बताया कि आर्यभट्ट ने कि जीरो का आविष्कार किया था, हमको कहाँ पता था, वो बाद में पता चला कि इसका आविष्कार हुआ था। तो विज्ञान है पाश्चिमात्य ज्ञान है भारत को एक सारा सार गलत है। तो हमको हमारा जो विज्ञान लिखना होगा वो अलग तरह से, विज्ञान की हिस्ट्री, विज्ञान का इतिहास लिखना होगा वो अलग तरह से लिखना होगा। उल्टा ऐसा हुआ कि विज्ञान जो हमारे ये जो अंक जो गणना करते हैं, जिसे आज हम बात कर रहे थे, गणन जो करते हैं, वो पाश्चिमात्य लोगों, यूरोप को, भारत से गया है। भारत से अरबी लोगों को, उनको अरबिक नंबर बोलते हैं, वहाँ से वो यूरोप में गया। तो ये मूल कल्पना भारत से, पूरी पूरी जो गणना करने की, काउंटिंग, कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग। तो आज हम क्या कर सकते हैं जो इस युवा पीढ़ी को आकर्षित करना है इस तरफ, जहाँ कम से कम इतना तो उनके मन में हमें डालना होगा कि ये मत समझो कि ये अनडेवलप्ड नेशन है और ये जो भी आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। इस एकदम उलट उलट है कि संस्कृति की शुरुआत ही भारत में होती है। हाँ जी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारत का हूँ इसलिए, लेकिन इसका जो जेन्युइन हिस्ट्री है, जो हम मान, वो ऐसा ही है। क्योंकि हम ब्रिटिश लोगों ने हमारे पे राज किया, तो हमारे जो किताबें तैयार हुई वो यूरोपियन लोगों ने लिखी थी, वो लगे थे, उन्हें चाहते थे कि ये भारत बच्चों को समझे इसके बारे में, उन्हें तो उसमें एक प्रकार की एक अस्मिता तैयार हो जाएगी कि हमने तो किया सब, इसको कुछ किया है। अभी हो रही, अभी ये सब तो बदल रहा है। जब पढ़ रहे, ये नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है आपको लगती है? कि या तो कई राजा अलग अलग थे हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश आए तब, ये या भाषाएं अलग थी इसलिए इसे हुआ उत्तर भारत, बुद्धि परस्पर हुआ कि उनको ऐसा, वो मानने को तैयार नहीं थी कि जो संस्कृति है वो ख्रिस्त के पहले, जो भारतीय संस्कृति की शुरुआत कई सालों से, 14,000 साल अभी भी उसी के चल रही है, शके चल रही है। तो उनको लगा कि हमको बताया जाता है कि ये हम ब्रिटिश आने के बाद यहाँ संस्कृति शुरू हुई, उसकी वजह से जान बूझ के बुद्धि परस्पर ये बात हमारे मन में डाली गई, और हमने वो करेक्ट नहीं की। हाँ, हमने वो करेक्ट नहीं की। वो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी जो धारणा थी एक प्रकार की, वो हमको पता नहीं। इज इट इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स? इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। ओके, नॉट दैट वी डिडंट नो, दे डिडंट वांट टू प्रमोट, एंड ब्रिटिशर्स वर गिविंग फेलोशिप्स। हमारे जो जाते थे, जो लोग इंग्लैंड जाते थे, कैम्ब्रिज में जाते थे, वहाँ जो पढ़ाई होती थी, तो वहाँ उनको मैक्स म्यूलर वगैरह जो लोग आए थे वो चाहते थे कि न्याय ज्ञान इनको न हो, उनको वो जानते थे। वो भी जानते थे, उनको उसने कोई भारतीय संस्कृति के बारे में इतना लिखा है, संस्कृत के बारे में इतना लिखा, वो तो बुद्धि पुरुष पर हुआ था, और हमने उसको वक्त में करेक्ट नहीं किया, वक्त में करेक्ट नहीं किया, इसलिए आज थोड़ी स्थिति बदल रही है।
बदल गई, काफ़ी बदल रही, काफ़ी बदल गई, लेकिन तो भी हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स को पता नहीं है, नहीं पता, हाँ हमारे टीचर्स को। ओके, जहाँ तक संस्कृत भाषा का सवाल है या गुरुकुल पद्धति का सवाल है, तो अब जो हम समझ रहे हैं कि अमेरिका जाके मैं सीखा हूँ तो मैं बड़ा होशियार हूँ, जो जो ब्रेन ड्रेन की बात चलती है, तो नॉलेज ड्रेन तो पहले से हुआ है, मतलब 150 साल तक अंग्रेजों का राज था तो नॉलेज ड्रेन पहले हो चुका था, अब ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। साइकोलॉजिकली वी आर सो ऑब्सेस्ड टू डीवैल्यू आवर सेल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ आर फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स व्हेन दिस ये मुगल का ये हुआ, 400 साल पूरा हुआ, तो बाद में अंग्रेज आ गए, आए अंग्रेज के पहले दूसरे लोग आए थे इसमें, तो एक कई साल हजारों साल से चल रहा है। मैं अभी समझ लो 1100 साल तो 900 साल हो गए, 1000 साल हो गए समझ लो। तो इसी वजह से हमारी मेंटेलिटी ऐसी हुई और बार बार बताया गया कि तुमको कुछ नहीं आता, तुमको नहीं आता है तो हम लेके आएंगे। ब्रिटिश लोगों ने ज़्यादातर ये इस धारणा हमने दृढ़ किया हमारे इसमें। तो आपके सीडैक का जो अब काम चल रहा है जिसके आप आज भी अध्यक्ष हो, तो उसमें ये जो युवा लोगों को दे आर फैब्रिकेटिंग आवर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात जो ना, जब नई शिक्षा नीति वो जो विधि बन रही थी, हाँ जी, उसका मैं एक साक्षी हूँ इसमें, तो एक मुख्य विषय था कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक जो शिक्षा होनी चाहिए वो भारतीय भाषा में होनी चाहिए और ऐसा प्रयत्न किया गया अभी प्रयत्न तो भी, लेकिन हमारी जो ये है कि हमको जो कुछ सीखना है, हमारे को मराठी भी सीखना है तो अंग्रेजी में ही सीखना होगी, ये हमारी एक प्रकार की एक गलत धारणा हुई है। और अभी पता चला साइकोलॉजी के इफेक्ट की हमको कोई विषय समझना है, गणित समझना है और विज्ञान समझना है, वो मातृभाषा में समझे, नहीं तो हमको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, अच्छा, कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि जो अभी आधुनिक विषय आए जो कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में बेयरली उसकी शुरुआत होती है, IIT वगैरह में, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ऐसे जो विषय आए, तो एक धारणा थी कि ऐसे जो नए सब्जेक्ट्स है ये हम अंग्रेजी में पढ़ना होगा, हम मातृभाषा में पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसके बुक्स नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ और अभी मैं खुद भी एक्सपेरिमेंट किया हूँ और बाकी लोगों ने भी किया है कि ये भी विषय हम हमारी मातृभाषा में अच्छी तरह से समझ सकते और डीपली समझ सकते। तो अभी हिंदी में काफ़ी यूट्यूब पे उपलब्ध है जो इसमें सब्जेक्ट्स में, और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में अंग्रेजी में मैं सुन रहा हूँ, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे समझना है तो हिंदी में अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, मैं तो मराठी भाषी हूँ, तो भी तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स का किताब मराठी में लिखा सकता, तो हमने लिखा और वो उसको लोगों को प्रचलित किया, तो लोग मानते कि नहीं हमको अच्छी तरह समझ रहे। तो आज एक बात वही हुई थी कि इंजीनियरिंग पढ़ना है तो अंग्रेजी में पढ़ाना चाहिए, हम गलत कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे मानता हूँ।